मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से इस बार पार्टी प्रत्याशी चयन के लिए शुरू की गई राय शुमारी में दावेदारों के बीच खींचतान सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और 10 बार के विधायक बाबूलाल गौर की गोविंदपुरा सीट पर दावेदारी को लेकर अलग अलग गुट के समर्थक उलझ गए। गौर समर्थक बारेलाल अहिरवार और महापौर आलोक शर्मा के समर्थक प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष व्यास के बीच आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल होने की भी खबरें हैं। सूत्रों की माने तो राय शुमारी के लिए गए नेताओं को भोपाल समेत मध्य प्रदेश की कई सीटों पर सीधी अनबन भी देखने को मिली है। ग्वालियर में सांसद अनूप मिश्रा और स्थानीय कद्दावर नेता सतीश सिकरवार के बीच जमकर दावेदारी दिखाई दी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हर सीट पर सिंगल नाम से लेकर 14 तक दावेदारों के नाम सामने आए हैं। गुरुवार को राय शुमारी का अंतिम दिन है। इसके बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत और प्रदेश कार्यालय मंत्री नामों को सूचीबद्ध करके प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन महामंत्री सुहास भगत को सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।